हेलो गाइस, वेलकम टू दिजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डेडेविल, जेसिका जोन्स और जोकर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स की सबसे सुपर हिट और सुपर विलेन के ऊपर बनी मूवी जोकर के बारे में। ये मूवी रिलीज होने से पहले काफी लोगों ने प्रेडिक्शन करा था कि ये मूवी एक विलेन के ऊपर बन रही है, जोकर में कोई सुपर पावर नहीं है, ये मूवी हिट कैसे जाएगी। पर जोकर की जब मूवी रिलीज हुई तो सभी के दिल पे छा गई और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा डाला। करीब 1 मिलियन कंप्लीट कर लिए इस मूवी ने। और जब इंडिया में रिलीज हुई तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंट यही था कि ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई। अब कुछ अपडेट ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ये मूवी स्पेशली इंडियन फैंस के लिए, जो कि डीसी के फैंस है, उनके लिए डब करी जा रही है स्टूडियो में। जी हाँ, अब ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है। बट अगर कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आता है मेरे पास इन फ्यूचर तो मैं आपको 100% बताऊंगा। पर अभी के लिए बस खुशखबरी है कि हाँ, इसके ऊपर काम चल रहा है। और बात करते हैं नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज डेडेविल। तो फाइनली मैंने आपको बोला था कि ये हिंदी में डब हो रही है और इसका पहला सीजन हिंदी में डबिंग होकर नेटफ्लिक्स पे आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। अब इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें करीब पहले सीजन में 13 एपिसोड है और इसका पहला सीजन ही डब हुआ है जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। तो जिस पे सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स का, वो जाके देख सकता है। मैंने पहले सीजन का पहला एपिसोड कल देखा। रियली बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया और जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर और जो मेरे फैंस हैं वो बोलते थे कि भाई आप ये सीज़न देखो, पहले इंग्लिश में था, मज़ा नहीं आता था, पर आज मैंने जब देखा और इसकी स्टोरी देखी, रियली मज़ा आ गया। IMDb पर इसे 8.6 रेटिंग मिली है 10 में से, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा, इसे देखना ज़रूर, बहुत ही कमाल की टीवी सीरीज़ है। देन उसी के बाद जेसिका जोन्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में लोगों ने आज तक मुझे कभी बताया नहीं, ये सीज़न कैसा है ये भी नहीं पता, पर इसका पहला सीज़न हिंदी में डब हो चुका है और नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। तो अगर आपको ये सीज़न भी देखना है तो आप जाके देख सकते हो। पर मेरी सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा पर्सनली, कि डेडेविल ज़रूर देखना यार। अगर आप ट्रू मार्वल फैंस हो तो डेडेविल देखो, बहुत ही कमाल का सीज़न है। अभी पहला एपिसोड ही देखा मैंने और सेकंड एपिसोड आज मैं देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे सेकंड एपिसोड भी कैसा लगा। देन इसी के साथ जेसिका जोन्स भी है, फिर उसके बाद आगे जो भी अपकमिंग टीवी सीरीज होंगी मैं आपको धीरे धीरे वो सारी बता दूंगा। अब जेसिका जोन्स का जो पहला सीज़न है उसमें करीब 13 एपिसोड है सीज़न 1 में, तो और हर एक एपिसोड करीब 54 मिनट का है और IMDb पे भी इसे रेटिंग्स करीब 8.0 मिली है, तो काफ़ी कमाल का है और देन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है टीवी सीरीज़। तो देखते हैं कि कैसा होगा जेसिका जोन्स। अभी मैंने देखना स्टार्ट नहीं करा है, मैं पहले डेडेविल पे फोकस करूंगा। तो देखिएगा, दोनों सीजन हिंदी में आ चुके हैं। तो सबसे पहले डेडेविल जरूर देखना, फिर उसके बाद जेसिका जोन्स। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो भी लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर डेडेविल के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।